नमस्कार दोस्तों, हमें संध्या मिश्रा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे लाइक कीजिए। तो इसी तरह से देख रहे हैं गुजिया बन के यहाँ पे रखा है। इसी तरह से गुजिया आज अपने किचन में हम बनाने चल रहे हैं। इस तरह से गुजिया बहुत टेस्टी होता है। तो जैसे देखते हैं कि बच्चे को भी बहुत चाव से खाते हैं गुजिया को। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि हमने गुजिया के लिए खोआ हमने पावर जरा रखे हैं। 1 किलो दूध में हम पावर खोए के निकाले हैं, घर पे बनाए हैं। तो अच्छे दूध रहता है तो पावर निकल जाता है खोआ। यहाँ पे हमारे आधे पाव पिसा हुआ चीनी है, पावर गुजिया का हमारे खोआ है। यहाँ पे देख रहे हैं गड़ी को हमने सूखी चेस लिए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं इलायची को छिलके उतार के रखे हैं। ऑयल हमने लिए हैं यहाँ पे 25 ग्राम। यहाँ पे पावर सूजी हमारा है। तो अब बेकिंग पाउडर हमारा है, देख रहे हैं। बेकिंग पाउडर की 1 चम्मच हमने आटे में मिला लेंगे। तो ये जैसे देख रहे हैं कि इस तरह से गुजिया बनाने में बहुत टेस्टी होता है। इसमें पहले हमने मोयंग को दे ले रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। जैसे देख रहे हैं कि सुबह में अभी 8 बज रहा है। तो 8 बज रहा है तो सुबह में जैसे देख रहे हैं कि थोड़े अंधेरे टाइम में मौसम बारिश की है तो गाँव पर जैसे घिरे हैं तो इसमें अंधेरा लग रहा है इसमें। तो अब जैसे देख रहे हैं कि हम अच्छे से इसको मिक्स कर ले रहे हैं। मोयंग को जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतनी अच्छी गुजिया होता है आपका। इसमें जैसे देख रहे हैं कि हम अच्छे से इसको मिक्स करके अच्छे से, अब देखिए हमारा मिक्स हो गया। जब मिक्स हो जाता है अच्छे से तो इसको जैसे मोयंग तैयार होता है तो ये मुट्ठी बना जाता है। तो देखिए जैसे लड्डू जैसे मुट्ठी बना गया हमारा। अब यहाँ पर 1 कप पानी हमने लिए, तो पानी को ज़रा ज़रा सा इसमें डालेंगे। मोयंग करने के बाद से पानी बहुत कम डाल के आटे में गूंथना चाहिए। तो जैसे देख रहे हैं हम इसको अब गूंथ ले रहे हैं। तो हम इसको आधे केजी हमारा आटा है, तो देखिए हम अच्छे से इसको गूँथ रहे हैं। पहले तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल ज़रा ज़रा सा करेंगे। तो देखिए हम इसको गूँथ लिए हैं। अब जैसे इसको हम डो हमारा तैयार हो गया तो इसको अच्छे से हम मसल के सानेंगे। इसको जैसे देख रहे हैं अच्छे से हम मसलेंगे, जितने उतने हमारा अच्छा से गुजिया बन के तैयार होगा। तो गुजिए में जैसे देखते हैं कितने लोग चकवा बनाते हैं, चिकने एकदम करना चाहते हो। हम चकवा नहीं, चिकने नहीं करते हैं हम, इसी तरह से लोया बना लेते हैं अपना। तो देखिए हमारा सना गया, तो इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे कि जाके हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो जाए फूलकर। यहाँ पे हमने इसको रख के अब ढक देंगे प्लेट से। प्लेट से ढककर हमने रख दिए हैं इसको। अब 5 मिनट के बाद तब तक हम इसको अपने तैयार कर ले रहे हैं मसाले को। तो सूजी को जैसे देख रहे हैं हम हल्के से भून लेंगे। पहले सूजी को भून कर हम इसको तो बनाएंगे। तो देखिए हमारा सूजी इसमें करी में डाल दिए हैं, तो इसको भून ले रहे हैं थोड़ी सी। तो इसको जैसे देखने के ज़्यादा लाल हमको नहीं करना है, सूजी को हल्के कलर में रखना है। तो अब जैसे देख रहे हैं कि हमारा सूजी भुजा रहा है। तो सूजी जैसे भुजाता है तो हल्का हो जाता है उठाने के बाद। उस तरह देखिएगा आप, सूजी उठाकर तो भारी लगेगा आपका, जब भुजा जाएगा तो हल्का हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं, हमारा सूजी भुजा गया है। इसको हमने निकाल लिया है, हमने बिल्कुल सूजी का कलर अच्छे से बनाए हैं। जैसे देखते हैं कितने लोग लाल कलर एकदम सूजी को भूज कर देते हैं, तो ज़्यादा गुजियाँ बनाने के लिए लाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे किशमिश को भी हमने खड़े नहीं रखे हैं, काट लिए हैं उसको चाकू से। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हमने गड़ी के मुरादे जो चस्के रखे थे उसको भी डाल लिए हैं। यहाँ पे खोआ जैसे हमारा है, खोआ घर का हमारा है, देखिए कितने अच्छे कलर भी आया है इसका बनाए हैं। तो हमारा ये शुद्ध खोआ घर का है जलाया हुआ दूध को, तो इसमें हमने इसको डाल ले रहे हैं। इसको डालकर हमने जैसे देख रहे हैं अब चीनी जो पीसे हुए चीनी हमारा है, तो इसको भी डाल दे रहे हैं। जैसे देखते हैं कितने लोग गुजिया बनाते के समय चीनी को खड़े हुए डालते हैं, तो खाने के बाद से गुजिया में चीनी जैसे दांत की तरह अजीब लगता है खाने में, तो पिसा हुआ चीनी गुजिया में डालना चाहिए। तो अच्छे से इसको हम मिक्स कर ले रहे हैं। अब अच्छे से मिक्स करके इसको हमने जैसे देख रहे हैं कि हमारा बर्तन थोड़ा छोटा में है, इसको अच्छे से हमने मिला लिए हैं। अब तो मिला कर देखिए हम इसको तैयार कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर गुजिया बनाने के लिए तैयार होने, गुजिया जैसे देख रहे हैं मसाले को मिक्स कर लिए हैं इसमें डालने के। तो अब हम यहाँ पे चल रहे हैं गुजिया बनाने के लिए। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक चौकी हमने लिए हैं, एक बेलन लिए, प्लेट लिए हैं। तो हमने प्लेट में गुजिया को बनाकर रखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं अब ढक दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आटा को देख ले रहे हैं हम। आटा जैसे देखिए हमारा कितने अच्छे से तैयार हो गया फूलकर, तो एकदम बिल्कुल हमारा आटा गीले साइज में हो गया है। तो अब इसको जैसे देख रहे हैं कि हमने इसको ले रहे हैं, इसकी चकवा जैसे देखिएगा हम एकदम बिल्कुल गोला नहीं करेंगे। इसके चकवा जैसी रहता है एकदम खरबिदर टाइप में रखते हैं वो, तो क्योंकि आरी से काट के निकाल जाता है। तो देखिए इसका चकवा भी कितनी अच्छे से आराम से बन जा रहा है। देखिए हम अपने हाथ से बस इसको दबा दे रहे हैं, हल्के से हाथ से चकवा हमारा बन के तैयार हो जा रहा है।
इसी तरह से हम सारे चकवा आपको बना लेंगे अपने। तो जैसे देख रहे हैं अब यहाँ पे थोड़ी सी हमने लिए हैं आटे को, तो आटे को लगा लगा कर बेल रहे हैं। तो देखिए हमारा कलर भी आटे का कितना अच्छा आ गया है। तो अब जैसे देख रहे हैं कि हम इसी तरह से इसको बेल कर ले लिए हैं। तो देखिए इसको बेल कर हमने रख दे रहे हैं, पहले इस तीनों को बेल कर रख लेंगे इसी तरह से। तो देखिए हम इसको बेल के अपने आप से घूम भी जाता है कितने अच्छे से। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ ज़रूर से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारी लाइक भी कीजिए। तो देखिए अब इसमें हम भर ले रहे हैं, तो इसको भी बेल दे रहे हैं पहले। तीनों हमारा तैयार हो गया। तो पानी को हमने आरी आरी लगा, एक कप में पानी लिए हैं जिसे आटा को हमने तैयार किए हैं सान के डो उसका, वही पानी को लगा ले रहे हैं क्योंकि पानी लगाने से जल्दी छूटता नहीं है मुँह उसका, तो अच्छे से गुजिया बन के तैयार हो जाता है। तो जैसे देख रहे हैं कि हम इसको पूरे भर ले रहे हैं पहले, तो बीच में कर ले रहे हैं। तो अब जैसे देख रहे हैं कि हाथ में पानी लगाकर इसको दोनों कोने से पकड़ के उठा लेंगे हम। तो देखिए हम इस तरह से पकड़ के उठाकर हम इसको गुजिए को जैसे देख रहे हैं, मुंह को हमने दबा दे रहे हैं। अब इस तरह से जैसे देखते हैं कितने लोग ऑयल लगाते हैं, ऑयल सूखने के बाद से गुजिया के मुँह खुल जाता है छानने के बाद। तो ऑयल नहीं लगाना चाहिए, पानी से लगाने के लस्सी पकड़ लेता अच्छे से। तो इसको जैसे देख रहे हैं हम इसको अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं इसी तरह से मुंह के मुँह। इसको जैसे देखिए हम इसी तरह से अच्छे से सबको अपने गुजिए को बना लेंगे इसी तरह से। हम मशीन में भी बना के आपको दिखाएंगे, मशीन में बनता है इसी तरह से। तो ये जैसे देखते हैं हमारा गुजिया बिल्कुल चिपटे टाइप में है, जब हम बनाएंगे गुजिया को तो गुजिया हमारा बिल्कुल ऊपर आ जाएगा फूलकर। इस गुजिए को हम जैसे एकदम चिपटे टाइप में बना रहे हैं, ज़्यादा हम गुजिया को फुलाएँगे नहीं अपने। इसमें से नोक भी डिजाइन में निकाल दे रहे हैं हम इसमें गुजिए में। तो जैसे देखते हैं डिजाइन वाला सामान रहता है, बच्चों को बहुत अच्छे लगता है देखने में खाने में। तो हम इसी तरह से देखिए इसको भी निकाल लिए हैं। तो अब जैसे देख रहे हैं इसी तरह से हम गुजिया अपना बना लिए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक नई हमारा है कंघी, तो कंघी से हम इस पर डिजाइन बना दे रहे हैं गुजिए को। तो जैसे देखिए हम गुजिए को दबाते हैं, तो मेरे गुजिए को देखिए कितना अच्छे से हमारा फूल जा रहा है गुजिया। ये गुजिया जब हम तेल में डालेंगे तो अपने आप से ऊपर आ जाएगा। तो कंघी से हल्के हाथ से हमने इसमें डिजाइन बना दे रहे हैं। तो इसी तरह से हम प्लेट में रखते जाएंगे अपना बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे साँचा भी लिए हैं हमने, साँचे से भी बना ले रहे हैं। तो देखिए बीच में जैसे घड़ी के मुरादा है उसमें लग गया है, यहाँ पे इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो इसको भी ऑयल पानी नहीं लगाएंगे, तो पानी को हम लगा दे रहे हैं, देखिए ऑयल नहीं लगा रहे हैं। इसके पहले मुंह अंदर से अच्छे से दबाना चाहिए। तो देखिए हम इसको निकाल दिए हैं, तो हाथ से जितनी अच्छे से आप रगड़ देंगे इसको, ये खुलेगा नहीं गुजिया के आपके मुँह। तो अब इसको हम निकाल ले रहे हैं। तो निकाल कर जैसे देख रहे हैं इसके हाथ को दबा दे रहे हैं, यहाँ पे कंघी ले लिए हैं। एक कंघी जैसे कोई सामान हम बनाते हैं तो ये हमारा अच्छी कंघी है बनाने वाला सामान, इसको हम इसे वीडियो में यूज करते हैं हम। तो नया इसी तरह से कंघी ले आकर इस पर आपको देखिए डिजाइन इस पर हम बना दे रहे हैं इसी तरह से। तो बीच में भी इसी तरह से हमने बना दे रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छा देखने में हमारा लग रहा है। फिर उसके बाद इसी में हम रख दे रहे हैं। फिर इसी तरह से हम इस दूसरा भी बना लिए, इस पे देखिए हम इसी तरह से डिजाइन बना ले रहे हैं। तो इस तरह से गुजिया बनाने पे बहुत देखने पे अच्छे लगता है। तो अब जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम पानी हल्के हाथ से लगाकर वहाँ पे इसको चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद से जैसे देख रहे हैं कि हम एक इस पे बिंदी लगा देंगे। तो इस तरह से गुजिया बहुत अच्छे से हमारा गुजिया जैसे इसी तरह से हम सारा गुजिया अपना बना लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर बना के रख दे रहे हैं। तो हम देखिए अब सारे गुजियों को हम इसी तरह से बना लिए हैं। तो देखिए हमारा गुजिया का डिजाइन कितने अच्छे से बन गया है। तो अब जैसे देख रहे हैं कि हम अपना गुजिया छानने के लिए जा रहे हैं, हमारा तेल गर्म हो गया है। तो गुजिया को जैसे देख रहे हैं हम हल्के एकदम मीडियम में करके पहले इसको 2 मिनट तक छोड़ेंगे, खूब हमारा गुरगुरा हो जाएगा कुरकुरे, तब तो हम जाके गुजिया को छान लेंगे अपने। तो जो गुजिया जैसे होता है खस्टी होते पहले स्लो गैस पर पकाना चाहिए, फिर उसके बाद तेज़ गैस करके निकाल लेना चाहिए। तो देखिए हम बिल्कुल स्लो गैस पर अपना पका रहे हैं इसको। तो देखिए हम इसको बगल में और डाल दे रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा खाली है वहाँ वहाँ डालते जा रहे हैं हम। तो हमारा गुजिया देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया है। तो गुजिया हमारा देखिए इसमें एक फूल रहा है कितने अच्छे से। तो जैसे हमारा गुजिया बिल्कुल देखने में पहले चिपटा लग रहा है, उसके बाद हमारा गुजिया फूलने लग रहा है। इस तरह से गुजिया आप ज़रूर बनाएँ। तो देखिए हमारा गुजिया कितने अच्छे कलर भी इसमें आ गया है। अब बाकी की गुजिया जो अभी नहीं हुआ है उसको हम बगल में कर लिए हैं। तो देखिए अब इसी तरह से हम अपना सारा गुजिया को निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम बनाएंगे अपना गुजिया को।
इस तरह से प्लेन जरूर गुजिया बनाना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे ले लिए गुजिया को निकाल कर, तो जैसे जो डिजाइन हम बनाए कहीं कहीं डिजाइन हमारा खुल भी गया है, देखिए कहाँ के डिजाइन भी हमें पड़ा भी है इसमें। तो देखिए इसको भी हम इसी तरह से छान ले रहे हैं गुजिया को। तो जैसे देखते हैं होली होली में ज़्यादा करके गुजिया सब लोग बनाते हैं, बाकी गुजिया बीच में ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि बच्चों को टिफिन में देना चाहिए। बच्चे को टिफिन फिर बदल के देने पे बच्चे खा लेते हैं अच्छे से। तो अब देखिए हम इस तरह से इसको भी निकाल ले रहे हैं। तो देखिए हमारे डिजाइन जो इसमें का डिजाइन भी बहुत अच्छे से हमारा आ गया है, डिजाइन भी हमारा नहीं खुल रहा है इसमें से। तो हम इसमें जो एक छलनी लिए हैं, हम पकौड़ी छलने वाला ही हमारा है। तो देखिए हमारा गुजिया बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से गुजिया ज़रूर आप बनाएं या ज़रूर आप बना के बच्चों को खिलाएं, तो खिलाना चाहिए। फ्रेंड्स जिन लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे लाइक कीजिए, फिर हम दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे।